नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर रेल न्यूज़ के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा पहला अपडेट रेल मदद ऐप के बारे में है। रेल सफ़र के दौरान यात्रियों द्वारा समस्या या असुविधा पर किए जाने वाले ट्वीट पर सुनवाई के लिए रेलवे ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। रेल मंत्री या DRM ID पर किसी शिकायत का ट्वीट आते ही यात्री का मोबाइल नंबर मांगकर रेल मदद ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग को तय समय सीमा में इस पर कार्रवाई करनी होगी। यात्री अपनी शिकायत के निदान की प्रक्रिया को रेल मदद ऐप पर देख भी सकेंगे। संबंधित विभाग को स्वतः फॉरवर्ड होने के बाद तुरंत ही समस्या का निदान किया जाने का प्रयास किया गया है। नई व्यवस्था में शिकायतों के समाधान का अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित किया गया है। इस अवधि में यदि यात्री की समस्या दूर नहीं हुई तो संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से पूछताछ या कार्रवाई के भी प्रावधान तय किए गए हैं। यह व्यवस्था तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुरू की थी, इसको और निखारा जा रहा है। दिवस पर सुरक्षा के मद्देनज़र 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली NCR क्षेत्र में ट्रेन से कोई भी सामान पार्सल से नहीं जाएगा। हालांकि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को निजी सामान ले जाने की अनुमति होगी। दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार और NCR क्षेत्र के स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में न कोई सामान बुकिंग की जाएगी और न ही कोई सामान की सप्लाई की जाएगी। 21 जनवरी से पार्सल की बुकिंग रोक दी गई है। इसी सुरक्षा के चलते 26 जनवरी को तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें निर्धारित समय से संचालित नहीं होंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1.5 घंटे के लिए रेल सेवा प्रभावित रहेगी। झेलम एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, अन्य ट्रेनों के मार्ग बदले जा सकते हैं और जो ट्रेन जहां होगी उसे वहीं रोका भी जा सकता है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 440 किलोवाट का सोलर प्लांट शुरू हो गया है। रेलवे के इस कदम से हर महीने बिजली के बिल के 35 लाख रुपए की बचत होगी। पिछले 2.5 महीने से सोलर प्लांट केबल कनेक्शन के चक्कर में अटका पड़ा था। 2 दिन पहले इंजीनियरों की टीम ने इसे शुरू कर दिया है। रेलवे ने खुद की बिजली बनाकर इसका उपयोग करने के लिए अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह यहाँ भी सोलर प्लांट के साथ उसकी प्लेटें सभी प्लेटफॉर्म पर लगवाई हैं। 640 किलोवाट के सोलर प्लांट से हर दिन करीब 2500 यूनिट पावर बिजली बनकर तैयार होगी। इसके शुरू होने से पूरा स्टेशन सोलर पैनल से बनने वाली बिजली से जगमगाएगा। रेलवे हर दिन स्टेशन पर लगभग 5000 यूनिट बिजली खर्च करता है। इस सोलर एनर्जी के लगने से 2500 यूनिट बिजली बनकर तैयार होगी। इसके हिसाब से अभी जो रेलवे एक दिन की बिजली के 5000 यूनिट खर्च करता था वह घटकर अब 2500 यूनिट पर आ जाएगी। 2500 यूनिट सोलर प्लांट बनाकर खर्च करेगा। बिरला नगर पर भी इस तरह का प्लांट शुरू कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर सोलर प्लेटें लगाई गई हैं। कर्मचारियों के रहने के लिए रेलवे ने कॉलोनियों का निर्माण किया है, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने अपने आवास किराए पर उठा दिए हैं। इसमें कुछ कर्मचारी नेता भी शामिल हैं। दरअसल रेलवे कर्मचारियों को आवास उनके पद के हिसाब से मामूली किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह किराया करीब 500 रुपये के आसपास होता है। ऐसे में कुछ कर्मचारियों ने अपने आवास को 5 से 7 हज़ार मासिक किराए पर उठा दिया है। इस संबंध में पहले भी कई बार शिकायतें होती रही हैं। इसमें कुछ कर्मचारी नेता भी शामिल हैं। रेलवे के अफसर भी जानकारी होने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने इस मामले को खुद ही संज्ञान में लिया है। इसके बाद रेलवे बोर्ड की निदेशक अनीता गौतम ने आदेश जारी कर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे अब यह पता कर रहा है कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके द्वारा शासकीय आवास किराए पर दिए गए हैं। इसकी सूची तैयार की जा रही है, जिससे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही आवास को भी खाली करने की कार्रवाई की जा सके। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शुरू कर चुका है। इस प्रोजेक्ट में आवासीय को स्थान को भी हटाया जाना प्रस्तावित है। इसकी जगह कर्मचारियों को कहीं दूसरी जगह मल्टी बनाकर फ्लैट उपलब्ध। AC APAC एक्सप्रेस के नंबर और समय में बदलाव कर दिया गया है। इस वजह से दिल्ली और भोपाल जाने वाले यात्रियों को रात में एक और ट्रेन मिलेगी। ये सुविधा 25 जनवरी से शुरू होगी। भोपाल एक्सप्रेस की तुलना में यह ट्रेन 1 घंटा 15 मिनट पहले ग्वालियर से भोपाल का सफ़र पूरा करेगी। इसी तरह दिल्ली के सफ़र में भी 30 मिनट का समय बचाएगी।
इससे भोपाल एक्सप्रेस का लोड भी कम होगा। रेलवे ने विशाखापट्टनम से नई दिल्ली के बीच चलने वाली एसी एपी एक्सप्रेस ट्रेन का समय और नंबर बदल दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रेन 23 जनवरी से विशाखापट्टनम से रात 10 बजे चलेगी, जो अगले दिन रात में 9:30 बजे भोपाल और 25 जनवरी को रात को 2:05 पर ग्वालियर आएगी। वहीं नई दिल्ली से विशाखापट्टनम ट्रेन 25 जनवरी से शाम 8:15 पर चलेगी और रात 11:50 पर ग्वालियर पहुंचेगी। ट्रेनों का सफ़र और सुरक्षित करने के लिए रेलवे ट्रेनों की संरक्षा में आधुनिक सिस्टम से लैस मशीनों की मदद लेने जा रहा है। कंप्यूटराइज्ड मशीनें कोच के लटके हुए पार्ट, ब्रेक बाइंडिंग जिसे कोच से ब्रेक निकलना, कोच के एक्सल गर्म होने और क्रैक होने की जानकारी तुरंत रेलवे को देगा। पटरी किनारे लगने वाला सिस्टम ट्रेन के लटकने वाले पार्ट को पकड़ेगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में यदि कोच का कोई पार्ट ढीला हो जाता है या लटकने लगता है तो ये डिटेक्टर उसे पकड़ लेगा। इसी तरह से व्हील इफेक्ट लोड डिटेक्टर यदि कोच के पहियों की हलचल की जानकारी देगा। यदि पहिए में छेद या गड्ढा हो गया है तो इसकी जानकारी भी रेलवे को मिल जाएगी। हॉट एक्सेल और हॉट व्हील डिटेक्टर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की मॉनिटरिंग करेगा। यह कोच के एक्सेल गर्म होने और ब्रेक बाइंडिंग होने पर ऑटोमेटिक जानकारी कंट्रोल को देगा, जिससे ट्रेन के चालक और गार्ड को सूचना देकर ट्रेन को आसपास के स्टेशन पर रोका जाएगा और जो भी गड़बड़ी होगी उसे ठीक किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इलाहाबाद मंडल के चुनार रेलवे स्टेशन पर इसके लिए प्लांट स्थापित किया है। अब उत्तर मध्य रेलवे आगरा, इलाहाबाद और झांसी डिवीजनों पर ट्रेन की सुरक्षा की कवरेज के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश कर रहा है। इसके लिए सर्वे चल रहा है। शीघ्र ही ये ज़मीनी हकीकत में बदलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे। मैं विजय कार्तिकेय शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।